हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इतनी सुबह सुबह हमें जल्दी उठना पड़ गया क्योंकि हमने ना अपने टीथ के लिए स्कैनिंग किसको एंड बुलाया है। मतलब हम लोग ना कितने अलाइनर्स लगवाने वाले हैं। मतलब इट इज़ नॉट लाइक ब्रेसिस, बट इट इज़ अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ब्रेसिस। इट इज़ इनविजिबल, मतलब ये दिखेंगे नहीं कि हमने लगा रखे या नहीं लगा रखे, मतलब राइट? बेसिकली ये किस लिए है कि यार जैसे हमारे जो टीथ होते हैं वो कई बार क्या होता है, कोई डिसबैलेंस होते हैं या टीथ कई बार कुछ कोई बड़ा है कोई छोटा है, और जैसे जो एक बाइट होती है ऐसे करके हम बाइट करते हैं तो हंस क्यों रही है ऐसे करके हम बाइट करते हैं तो पूरी क्रॉस बाइट मतलब ऐसे नहीं होती हमारे टीथ। अब वो तो ज़्यादा जब वो आएंगे वही समझाएंगे, मतलब जितना मेरे को पता है तो वो प्रॉपर हमारा स्कैन करेंगे, मतलब पूरा अंदर से जॉ वगैरह सब कुछ, एंड एंड फिर वो हमें मेरे को देखती रहेगी ये। अलाइनर्स बनाकर देंगे। तो अब उनका कॉल आ गया था तो हम फटाफट तैयार हो गए क्योंकि ही इज़ ऑलमोस्ट इन आर सोसाइटी। तो ही सेड कि मैम आपका घर नहीं मिल रहा है तो आप ज़रा हेल्प कर दीजिए। तो हम लोग बस बाहर ही जा रहे हैं उनको ढूंढने हैं, उनको हेल्प करने। यस एंड एंड वी विल शो यू गाइज अ लिटिल बिट ऑफ क्लिपिंग्स प्रोसेस, मतलब जितना भी हम रिकॉर्ड कर पाए आई एम श्योर वील शो यू। और उसके बाद फिर आज हम क्या बनाएंगे? उसके बाद आज क्या बनाएंगे? बनाना तो आपने, बताओ क्या बनाओगे, क्या खिलाओगे यार मैं बढ़िया सा? इतने दिनों से आपको कह रही हूँ, या तो मैं गार्लिक ब्रेड बना देती हूँ, हाँ वो भी नहीं आप खाना चाहते मगर हैं, लंच में गार्लिक ब्रेड थोड़ी ना खाएंगे। शाम को बनाऊंगी इवनिंग में, या ओके मैं कह रही थी आपको वो मैं कुछ बढ़िया सा केक वेक टाइप बनाने का, बहुत टाइम से मीठा नहीं खाया। केक खा सकते हैं, ओरियो केक। और हाँ ओरियो केक इजी वाले बनाएंगे, हाँ तो मे बी वो हम मन शाम को कर रहा केक था, बनाएं, गार्लिक या ब्रेड मन कर रहा नहीं, था गार्लिक कि ब्रेड बना सकते थे मगर एक प्रॉब्लम थी ना उसमें, वो हमारे पास ना गार्लिक नहीं है, हमारे पास गार्लिक पेस्ट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है हाँ वही, तो उस वजह से वो पेस्ट उसमें यूटिलाइज नहीं हो नहीं हो पाएगी, दैट्स पाएगी। द प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, अभी जाते हैं हम थोड़ा, बस ही इज ऑलमोस्ट देयर तो उसके बाद आपने मिलते मुझे हैं। गुदगुदी होती है ना उसके ठीक है बाद हम आपसे मिलते हैं। बाय। अभी गाना करनी, चलो गाना आपको बाइक का रेंज चाहिए थी, थोड़ी हरी चाहिए थी तो जैसे तो रेंज आपकी। यहाँ पे जो है ये रोटेटेड है बेसिकली, कौन सा रोटेटेड है? थोड़ा सा जूम करके तो ये इसके पीछे आ गया, क्राउडिंग स्टार्ट हो रहा है, करेक्टिंग दैट। ओके ओके अब वो हम टीथ अलाइनर वाले प्रोसेस से फिर फ्री हो चुके हैं। सो अब वेरोनिका ने मुझे ये अपना पूरे सारे कपड़े निकाल दिए हैं मेरे वार्डरोब में से, एंड आई नीड टू लाइक फोल्ड देम एंड प्रॉपरली इनको वार्डरोब में सेट करना है, जो वो है। यहाँ से कपड़े निकाल दिए हैं एंड आई विल गेट टू वर्क नाउ। फोर डन, अभी उठा के इसको सेट करके रख देते हैं। हेयर आराम से, सो द फाइनल रिजल्ट इज दिस। थोड़ी सॉर्टेड लग रही है। आज हमने बहुत टाइम बाद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, वी थॉट कि आज हम वॉकिंग करने जाएंगे, हम बहुत टाइम से जा ही नहीं रहे थे थोड़ा वॉक करने। कर रहे हैं हम कॉलोनी में ही अपनी। एग्जैक्टली यस। और अब से हम रोज जाया करेंगे, क्या कहते हो? हाँ, और कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेना है अभी, हमने वो भी ले लेंगे। बट सामान तो चलो जा रहे थे तो ले रहे थे, बट वैसे हम वॉकिंग के लिए यार सामान तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो चाहिए ही होता है ना घर के लिए। राइट राइट। दादी ने थोड़ा सा सामान मंगवाया था तो वो ले आए हैं,
और अब हम थोड़ी देर वॉक करेंगे अपनी सोसाइटी में और उसके बाद बैक टू होम। अब हम रोज़ आएंगे वॉक करने, रोज़। क्या कहते हो? यस। पक्का? निकलना चाहिए यार, थोड़ा सा वॉक करो। हाँ। ये पार्क है हमारे एकदम घर के नीचे उतरते ही, एंड दिस इज़ आवर लेन। ये हमारी लेन है, वो हमारा घर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, एंड वी आर बैक होम। किसके घर में ऐसी ऐसी आवाज आती है? पानी की टंकी भर गई है जी। हाँ जी, बंद क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो हमने क्या किया, हमने ओरियो बिस्किट को क्रश करके इस मिक्सी जार में डाल दिया। ये थोड़े थोड़े पीस भी दिख रहे हैं यार, अभी हम करेंगे ना। अच्छा, एंड उसके बाद ये है, ये जो ओरियो बिस्किट्स की अंदर की क्रीम होती है वो अलग से हमने निकाल दिया, हम इसकी क्रीम बना के फिर केक पे डालेंगे। I can't wait it. यम्मी बनेगा भाई साहब। It's looking so tempting. Yeah. And हम proper इसको फिर केक बनाने के लिए इसको कितने मिनट के लिए अवन में रखना है? 4 to 5 minutes के लिए हम अवन में रख देंगे। तो जिसने केक की डिमांड करी है उसको थोड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मैं क्रीम बना रहा हूँ। Yes. थोड़ा इन डोलो शोलो का इस्तेमाल करिए, जरा काम करिए। लॉकडाउन में ऐसी बना लें मसल्स। राइट, दिस क्रीमिंग प्रोसेस, ओ माय गॉड, लुक एट द कंसिस्टेंसी। इसलिए मैं इस बंदे को काम देती हूँ क्योंकि मुझे पता है, पूरा पूरा विश्वास है कि बहुत ही बढ़िया करेगा। राइट, अभी तो एक और करना है। एक और क्या? एक और करना है। क्यों, अब हो गया, अब क्या करना है? नो बेबी, यू हैव टू लुक एट इट, अमेजिंग। आज हमने फिर से मटर चाट बनाई है। जिस जिसने हमारी मटर चाट रेसिपी का व्लॉग नहीं देखा है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, प्लीज वॉच इट। ऑल्सो लुक एट दिस क्रीम यार, केक के ऊपर की क्रीम इज ऑलमोस्ट रेडी, एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस। वाओ, काम हम करते हैं ना तो फिर एकदम जान लगा के करते हैं। आई नो दैट यू आर अ परफेक्शनिस्ट इन एवरीथिंग यू डू। यस, आई लाइक इट। That's why I give it to you. इसका मतलब ये नहीं है हर बारी मैं ही करूँगा। आज तो कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, हर बारी बोलेगी तब भी कर दूंगा बस। आई तो प्यार। तो अब क्रश तो पूरा हो चुका है, नाउ वी विल बी एडिंग ब्राउन शुगर, थोड़ी सी, नॉट मच, 3 to 4 spoons। और वैसे भी ब्राउन शुगर ज़्यादा डलती है तो दैट्स इट। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा सा, एंड नाउ आई विल बी हैंडिंग ओवर This task to Lakshya again. लाओ जी। Please. आप उसको अच्छे से करते रहना, अच्छे से करना जैसे आपने क्रीम को किया। Okay ma'am. Yes sir. चलिए करिए, अच्छे से करना, okay? So I forgot to add one more thing. थोड़ा सा baking powder. That's it. Not much. Now you can get back to your work. आई मेरा शेफ भाई साहब, ये देखो, इसकी भी देखो, ये जैसे लक्ष्य कर सकता हूँ मेरे से नहीं हो पाता, और हाथ में मेरा इतना दर्द हो गया ना इस समय। एक्चुअली मेरा भी दबाया भी था। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी विल अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ बटर, लिटिल बिट, नॉट मच, सो दैट वो चिपके ना नीचे, एंड देन वी विल पोर दिस इन दिस बोल, एंड उसके बाद माइक्रोवेव कर देंगे फॉर 4 to 5 minutes, दैट्स इट, देन केक इज रेडी। यस, देन वी विल ईट, एंड ऑब्वियसली आवर क्रीम। अरे आप बताओ तो, अब क्या हम क्या इसको पहले बताओ क्या क्या देते हैं एक बार। अब हम इसको इस बोल में पोर कर देंगे जी। मैं, आपने बताया नहीं आप क्या क्या देखना, जो आपको इतनी हंसी आ रही है। दिखाऊं भी कहाँ से, पूरा तो लग जाना हाथ सब में, कमेंट कर, बट वी वांट टू नो व्हाट वर यू सेइंग। आई वाज सेइंग नथिंग, यू वर सेइंग समथिंग, तब तो आपको इतनी हंसी आ रही है। चल दिखाना बर, विल कीप इट इन द ओवन, एंड 4 मिनट के लिए इसको, 5 मिनट्स। सो ये फाइनल आउटकम है हमारे केक का, उसके ऊपर हमने क्रीम से थोड़ा सा लेयरिंग कर रही है वेरोनिका, एंड लुक एट दिस, can't wait to just have it man.
So guys, this is the final outcome of our cake and we can't wait to have it. It looks so yummy. Yeah. Thank you. आपने भी तो help कराई है. So without your help, ये possible नहीं होता, I'm sure. Hope you guys liked our vlog. Please don't forget to like, share and subscribe. Also, अभी bye नहीं. Also, don't forget to press that bell icon. Keep showing your love, support, and you know, we get that motivation from that, and we keep on making more vlogs. So, bye guys.